आदरणीय सभापति जी, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एक नए बदलाव की ओर चले हैं और हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही है। हमारे राज्यों के बीच में विकास की स्पर्धा हो, तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। दल किसी का भी कोई राज क्यों ना करता हो, और उसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है और हम दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं। जीएसटी काउंसिल की रचना, जीएसटी काउंसिल की रचना अपने आप में भारत के सशक्त फेडरलिज्म के लिए एक उत्तम स्ट्रक्चर का नमूना है। रेवेन्यू के अहम निर्णय जीएसटी काउंसिल में होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री सभी इक्वल टेबल पर बैठकर के निर्णय करते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब साथ मिलकर के दे। और देश को गर्व होना चाहिए, इस सदन को ज्यादा गर्व होना चाहिए कि जीएसटी के सारे निर्णय, सैकड़ों निर्णय हुए हैं, सबके सब सर्वानुमति से हुए हैं। सभी राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री ने मिलकर के किए हैं। इससे बड़ा फेडरलिज्म का उत्तम स्वरूप क्या हो सकता है? कौन इसका गौरव नहीं करेगा? लेकिन हम इसका भी गौरव नहीं करते हैं। आदरणीय सभापति जी, एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं फेडरलिज्म का। हमने देखा कि जैसे सामाजिक न्याय ये देश में बहुत अनिवार्य होता है, वरना देश आगे नहीं बढ़ता है, वैसे भी क्षेत्रीय न्याय भी उतना ही जरूरी होता है। अगर कोई क्षेत्र विकास में पीछे रह जाएगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमने एक योजना बनाई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देश में 100 से ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने, अलग अलग पैरामीटर के आधार पर चुने गए, राज्यों के साथ मशवरा करके चुने गए, और उन 100 से अधिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राज्य के जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट है उसकी बराबरी तो कम से कम आ जाए, तो बोझ कम हो जाएगा। और उस काम को हमने किया, और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहूंगा, बड़े गौरव के साथ कहूंगा, योजना का विचार भले भारत सरकार को आया, लेकिन एक राज्य को छोड़कर के सभी राज्यों ने इसको ओन किया। 100 से अधिक जिलों की स्थिति बदलने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला इकाई आज मिलकर के काम कर रहे हैं, और उसमें सभी दलों की सरकार वाले राज्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य वाले सरकारें हैं, और सबने मिलकर के इतने उत्तम परिणाम दिए हैं कि बहुत कम समय में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कई पैरामीटर में अपने राज्य की एवरेज से भी कुछ आगे निकल गए हैं। और यह मैं समझता हूं कि उत्तम से उत्तम काम है। और मैं बताऊं, कुछ आकांक्षी जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जनधन अकाउंट पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा जनधन अकाउंट खोलने का काम किया है। हर परिवार में शौचालय मिले, बिजली मिले, इसके लिए भी उत्तम काम इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी राज्यों ने मिलकर के किया है। मैं समझता हूं यही फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण है, और उसी से देश की प्रगति के लिए फेडरल स्ट्रक्चर का ताकत का उपयोग होना, ये उसका उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक और, कैसे आर्थिक मदद होती है राज्यों को, किस तरीके से नीतियां कैसे बदलाव लाने से परिवर्तन आता है, उसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। वो भी एक समय था जब हमारे प्राकृतिक संसाधन सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरियां भरने के लिए काम आते थे। ये दुर्दशा हमने देखी है, उसकी चर्चाएं बहुत चली है। अब इस संपदा राष्ट्र का खजाना भर रही है। हमने कोयले और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म किए। 2000 में हमने पारदर्शी प्रक्रिया के साथ खनिज संसाधनों का ऑक्शन किया। हमने रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को जारी रखा, जो जैसे वैध लाइसेंस की बिना चार्ज के ट्रांसफर, 50% प्रोड्यूसर्स की ओपन मार्केट में सेल बिक्री, अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन पर 50% रिबेट। बीते एक साल में माइनिंग रेवेन्यू लगभग 14,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 35,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। ऑक्शन से जितना भी रेवेन्यू आया वो राज्य सरकारों को मिला है, ये निर्णय किया है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सुधार जो लागू हुए हैं इसमें राज्य का ही भला हुआ है, और राज्य का भला होने में देश का भला है ही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इस क्षेत्र इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय, और ओडिशा
इस रिफॉर्म्स को लागू करने में अग्रिम राज्य रहा। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देता हूं, तो उनकी सरकार ने सारे रिफॉर्म्स को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है।